हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रवि। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ एक्सरसाइज, ठीक है, 1B। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर ये है और दूसरा ये, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। दूसरे क्वेश्चन में ये है और ये, इन दोनों को आपस में ही ऐड करना है, और इसको, इन दोनों को भी आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो हम ऐड कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2√3 माइनस 5√2। ठीक है, ऐड करना है, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे हम, √3 प्लस 2√2। ठीक है, तो आइए इन्हें ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले देख लेते हैं, यहां पर देखेंगे तो √3 है और ये √2। जो √3 है वो √3 के साथ में ही ऐड होगा, और √2 जो है वो √2 के साथ में ही ऐड होगा। अगर हम सोचें कि √3 को √2 के साथ में ऐड कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको ऐड करके देखते हैं कि हमारा 2√3 प्लस माइनस 5√2 हो जाएगा, बीच में प्लस है, और ये √3 प्लस 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2√3 है और ये √3, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, 5√2 है और ये 2√2 है। 5√2 माइनस में है और ये प्लस में है, और प्लस माइनस कितना क्या होता है हमारा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो अगर 2√2 हम 5√2 में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, हमारा माइनस का 3√2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों में देखें तो हमारा एक 3 कॉमन है, तो ये √3 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी ऐड कर लेंगे, कैसे ऐड करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा 2√2 प्लस 5√2 माइनस 7√5। ठीक है, प्लस करना है हमें, क्या ऐड करना है, √3√3 माइनस 2√2 प्लस √5। ठीक है, तो आइए ऐड करते हैं, इसमें भी देखें तो √2 में ही प्लस होगा या फिर माइनस होगा, और √3 जो है वो √3 में ही ऐड होगा या फिर प्लस होगा। ठीक है, तो ये 2√2 प्लस 5√2 माइनस 7√5 प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ठीक है, तो ये क्या है, 2√2 और ये 5√2। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 √7 हो जाएगा, और 7√2 में से एक √2 हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6√2 बचेगा, 6√2 हो जाएगा ये, और ये क्या है हमारा, 7√5 है और ये √5 है। अगर √5 में से अगर √5 हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, हमारा माइनस का 6√5 बचेगा। ठीक है, और ये क्या बचा, प्लस का 3√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इससे छोटा हम कुछ बना नहीं सकते हैं इसको, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3√7 प्लस 1/2√2 प्लस 6√11 एंड इसमें ऐड क्या करना है, 1/3√7 प्लस 2/3√2 माइनस √11। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ये 2/3√7 हो जाएगा माइनस 1/2√2 हो जाएगा प्लस 6√11, ऐड करना है तो बीच में हम प्लस का सिंबल लाएंगे। ठीक है, तो ये 1/3√7 हो जाएगा प्लस 2/3√2 हो जाएगा माइनस √11। ठीक है,
तो यहाँ पर देखेंगे सिक्स रूट इलेवन है और ये क्या है रूट इलेवन, ठीक है। तो सिक्स रूट इलेवन में से एक रूट इलेवन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, फाइव रूट इलेवन बचेगा, ठीक है। और ये टू बाई थ्री रूट सेवन है और यहां पर कितना है वन अपॉन थ्री रूट सेवन, ठीक है। तो इन दोनों का साथ में लिखेंगे, ये टू रूट सेवन बाय थ्री है प्लस ये रूट सेवन बाय थ्री है और यहां पर क्या है ये वन अपॉन टू रूट टू है और ये क्या है वन टू अपॉन थ्री रूट टू, इन दोनों को भी साथ में लिखेंगे, ये प्लस में टू बाय थ्री रूट टू माइनस वन अपॉन सॉरी रूट टू, रूट टू का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा फाइव अंडर रूट इलेवन, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक हमने कुछ नहीं किया है, बस इन नंबर्स को एक साथ में लिख लिया। जैसे यहां पर देखेंगे टू बाई थ्री रूट सेवन है और ये क्या है वन अपॉन थ्री रूट सेवन, तो हमने लिख लिया यहाँ पर टू बाई सेवन टू रूट सेवन बाई थ्री प्लस वन अपॉन थ्री रूट सेवन, तो एक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट सेवन बाई थ्री हो जाएगा प्लस टू अपॉन थ्री रूट टू बचा यहाँ पे और यहां पर देखेंगे तो माइनस वन अपॉन टू रूट टू है, तो रूट टू का एक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट टू बाई टू हो जाएगा और इसका इससे माइनस कर जाती है फाइव रूट इलेवन आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसके हम नोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये टू रूट सेवन है और ये रूट सेवन, तो क्या हो जाएगा ये थ्री अंडर रूट सेवन बाय थ्री प्लस। अब यहां पर देखेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं हो। अगर डिनोमिनेटर बराबर करना है तो या तो हम एलसीएम ले सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करा के इजिली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा टू टू जब फोर अंडर रूट टू हो जाएगा माइनस ये थ्री अंडर रूट टू हो जाएगा और थ्री टू जब सिक्स और ये माइनस का अंडर रूट इलेवन फाइव रूट इलेवन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया इजिली। इसके बाद देखेंगे यहां तीन से तीन ये कट जाएगा, बचा क्या हमारा रूट सेवन प्लस यहां फोर रूट टू में से थ्री रूट टू माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ओनली रूट टू बाई सिक्स माइनस फाइव अंडर रूट इलेवन, ठीक है। तो इससे ज्यादा हम छोटा कर नहीं सकते हैं, अगर इससे ज्यादा छोटा करना है तो इन सभी का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही कीजिए काफी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो नंबर्स को कैसे आपस में ऐड करते हैं। थैंक यू।